हमारे नेता आज अपनी बोलियां सेक रहे हैं। अहिरवाल के नेता, अगर आप जो सरकार के अंदर है वो हमारे मंच के अंदर इस बिरादरी में और पंडाल के अंदर आकर बैठ जाए, मंच के लिए नहीं। आज रामविंदर जी सिंह जी कहे मैं समाज के साथ हूँ और मैं आपके साथ हूँ, आज इस्तीफा दे। और रामविंदर जी सिंह को कोई नाई का लाल हरा नहीं सकता। चुनाव नजदीक आएगा, वो नारा लिख रखा वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे नेता, हमारा नेता, हमारे नेता आज अपनी बोलियां सेक रहे हैं। अहिरवाल के नेता, अगर आप जो सरकार के अंदर है वो हमारे मंच के अंदर इस बिरादरी में और पंडाल के अंदर आके बैठ जाए, अहिर रेजिमेंट आपको 10 दिन के अंदर जाके दिखा दे। अगर वो अहिर नेता, अगर वो अहिर राव साहब रामविंदर जी आज इस्तीफा दे और हमारे बीच आकर के बैठे और वो अपनी रोटियां नहीं छेके कि अपनी बच्चों और अपने बच्चों और अपनी राज के लिए। उसके राव इंद्रजीत के अलावा भी तो बहुत सारे नेता है कैबिनेट के, आप सबको बुलाइए। आए आइए, पक्षवाए तो रोटी छेक रहे की हम आपका समर्थन कर रहे हैं। राव धान सिंह, राव कप्तान सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, आज इस कैबिनेट में भूपेंद्र यादव भी है। भूपेंद्र राय यादव को तो विरासत में मिली हुई है, उसको तो राज्यसभा से मिली, वो बोल ही सकता, वो बोल ही नहीं सकता, उसको विरासत में मिली है डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह, वो इतना राइट ये ले सकता जितना ये ले सकते है। समाज ने ये छून के भेजे हुए हमारे नुमाइंदे, समाज ने राव खेड़ की डोला के ऊपर आंदोलन हुआ, वहाँ बड़े सारे नेता भी आए थे, राव इंद्रजीत भी आए और नेता भी आए। एक मिनट के लिए नहीं, आज राव इंद्रजीत सिंह जी कहे मैं समाज के साथ हूँ और मैं आपके साथ हूँ, आज इस्तीफा दे। और राव इंद्रजीत सिंह को कोई नाई का लाल हरा नहीं सकता। अगर वो आज हमारे मंच के साथ आए और बैठे, राव इंद्रजीत सिंह आके दिखाए और बैठ के दिखाए, अपनी बेटी और अपनी कुर्सी के लिए वो आज मुंह बंद करके बैठा हुआ है। क्यों क्यों बैठा हुआ है? अच्छा, उनके अलावा अब ये महापंचायत और ये प्रदेश स्तरीय, अब इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे? पंचायत जो हुई है, महापंचायत जो चल रही है, इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? हमारा वादा यही है कि वोट वही पाएगा। नहीं, मैं आप सभी अहिरवाल और अहिर खून से ये विनती करता हूँ कि वोट उसी को दे, नहीं वॉकआउट करे इनको, आगे 24 में वॉकआउट करे, 24 का इंतजार नहीं करे, 24 से पहले हमें अहिर रेजिमेंट कंधे पे चाहिए। लगातार राव इंद्रजीत सिंह ये कहता है कि मैं जवान हूँ, ये जवान हूँ, वो आए हमारे मंच के सामने बैठे, वो जवान है और इस्तीफा दे और कहे कि मैं अब, और राव इंद्रजीत सिंह को कोई हराने वाला नहीं अगर हमारे साथ आए तो। लगातार नेताओं का भी विपक्ष होता नजर आ रहा है। इस प्रदेश स्तरीय महापंचायत में कुछ ठोस निर्णय लिए जा सकते हैं कि आने वाले 2024 के चुनाव में नेताओं और पार्टियों को यदि हाई रेजिमेंट नहीं बनाई गई तो भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।